स्वागत है दोस्तों आपका बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के इस नए सीरीज में। ठीक है, तो आज है 15 जनवरी 2019 और आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे इस सप्ताह के जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं जो हमारे बीपीएससी सिलेबस से रिलेटेड हैं। यानी कि ये लेसन इस कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को एनालाइज किया गया है और किस तरह से बिहार से क्वेश्चन, स्पेशली बिहार से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, बिहार करंट अफेयर से वैसे क्वेश्चंस को ध्यान में रख कर ये कोर्स डिज़ाइन किया गया, ये लेसन। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को जो इस सप्ताह न्यूज़ में रहे थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरा पहला आर्टिकल है, न्यू ब्रिज कमिंग अप पैरेलल टू जेपी सेतु। ठीक है, एक जेपी सेतु एक ब्रिज है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, ये बिहार गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड की है कि एक जो जेपी सेतु जहाँ भी स्थित है, ठीक है, वहाँ पे एक 4 लेन, ठीक है, एक 4 लेन ब्रिज अक्रॉस गंगा, मतलब इस जेपी सेतु के पैरेलल एक ब्रिज बनाया जाएगा जो कि 4 लेन होगा और ये गंगा गंगा के ऊपर होगा। ठीक है, अक्रॉस दी गंगा। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो ये जो बनाया जाएगा ब्रिज, इसमें जो रिसोर्सेस लग रहे हैं यानी कि जो भी खर्च उर्च होगा, खर्च पड़ेगा, पैसा लगेंगे, वो बिहार सरकार अपने खुद रिसोर्स संसाधन से, ये अपने राजस्व से ये इन्वेस्ट कर रही है, यानी कि बिहार सरकार इसे खुद बनाएगी। ठीक है, इसमें कोई सेंटर का रोल नहीं है, इसमें कोई सेंट्रल फंड उंड वगैरह नहीं है। ठीक है, तो जेपी सेतु के बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इट इज़ अ मतलब ये जो है इट इज़ अ सेकेंड लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज इन इंडिया। ठीक है, ये जो है जेपी सेतु, वो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, नीचे वाले जो ये लोग उससे मार्क्ड है, ये जो है जेपी सेतु इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज इन इंडिया। ये दूसरा सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है पूरे इंडिया में, इंडिया की बात करें तो। ठीक है, हाल ही फिलहाल में हमारे मोदी जी ने एक असम में बोगीवली ब्रिज का उद्घाटन किया था जो कि इंडिया का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। ठीक है, तो उसके बाद ये इसका दूसरा नंबर है जेपी सेतु का। ठीक है, जो कि ये भी खुद रेल कम रोड ब्रिज है जो कि बिहार में है। ठीक है, इसकी लंबाई टोटल 4,556 मीटर है। ठीक है, और सेंटर ने ये भी डिसाइड किया है कि वो रिंग रोड आयन, ये जो हमारे रिंग रोड 2017 के आसपास बनाए गए थे, उन्हें बढ़ाया जाए, उनमें 50 किलोमीटर से 160 किलोमीटर तक लेंथ को इंक्रीज किया जाए यानी बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट बातें। और ये जो रिंग रोड है 6 लेन ब्रिज ओवर रिवर गंगा वाया नौबतपुर लखाना दनियावा एंड फतुहा, ठीक है, इन सब से होते हुए गुजरेगी। ठीक है, ये 6 लेन लास्ट में देखिए आप। तो ये थी पहला आर्टिकल जेपी सेतु से संबंधित। अब हम चलते हैं अगले आर्टिकल्स की ओर। तो अगला आर्टिकल है गवर्नमेंट मे बैन आंध्रा फिश टुडे। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ में रहा था और तकरीबन एक सप्ताह से ये बार बार न्यूज़ में आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो दरअसल हुआ ये कि आंध्र प्रदेश से बहुत सारे फिश आते हैं हमारे बिहार में, पटना में खास करके। ठीक है, तो ऐसा मतलब एक जब क्या बोलते हैं लेबोरेटरी में जब उसे चेक किया गया यानी कि टेस्ट किया गया, तो पता चला कि इसमें कंटामिनेटेड विथ फॉर्मुलिन, यानी कि इसमें एक फॉर्मुलिन नाम का एक रासायनिक पदार्थ इसमें दिया जाता है जो कि अ कैंसर इंड्यूसिंग केमिकल, जो कि इसे हम कह सकते हैं ये जो फॉर्मुलिन है ये एक तरीके का कैंसर इंड्यूसिंग केमिकल है। ठीक है, और इस इट इज़ यूज टू प्रिवेंट प्रिजर्व द फिश। और ये जो फॉर्मुलिन है मतलब बेसिकली फॉर्मुलिन जो है ना वो मछली जो दूर दूर से यहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, तो उसे मतलब सुरक्षित रखने के लिए, ठीक ना,
मछली को ताज़ा रहे, ताज़ा ताज़ा बना रहे, इसलिए उसमें फॉर्मूलिन केमिकल नामक सुई दिया जाता है, ये दवा दी जाती है ताकि वो मछली ख़राब ना हो, ठीक है। और ये जो फॉर्मूलिन है ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व ह्यूमन बॉडीज इन मोर्चुअरी, ठीक है। ये जो फॉर्मूलिन है वो जैसे कोई भी ह्यूमन की बॉडी डेड हो जाती है तो उसे भी मतलब प्रिजर्व रखने के लिए, मतलब रखने के लिए ताकि महके ना, तो उसके लिए भी फॉर्मूलिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा इसे कि इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिजर्व द फिश, यानी मछली को रखने के लिए ताकि सड़े गले ना, और उसी तरह ह्यूमन बॉडीज को भी ये रखने के लिए यूज किया जाता है ताकि महके ना, ठीक है। नेक्स्ट, तो उसी से रिलेटेड कुछ और भी आर्टिकल हैं, जैसे देखिए अ पॉइजनस मिक्स, द बिहार गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग अ ब्लैंकेट बैन ऑन फॉर्मुलिन लैक लेस्ड फिश इंपोर्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। और हमारे जितने भी आंध्र प्रदेश से फिश आते हैं, सरकार, बिहार सरकार सोच रही है कि इसे बैन कर दिया जाए, ठीक है। तो दरअसल ये जो फॉर्मुलिन है वो एक प्रिजर्वेटिव है, क्या है मतलब सुरक्षित रखने के लिए ये एक दवा है, ये जो भी कह सकता है, जैसा कि मैंने पहले बतला चुका हूँ। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फिश फ्रॉम आंध्र प्रदेश टू वेरियस पार्ट ऑफ झारखंड टेक्स 3-4 डेज। और देखिए दरअसल होता ये है कि जब मछली आंध्र प्रदेश से बिहार या झारखंड कहीं भी जाती है तो लगभग 3 से 4 दिन लग जाती है, ठीक है। तो इस 3-4 दिन में सोचिए कि मछली महक तो जाएगी ही, ठीक है। तो इसी को मतलब प्रिजर्व रखने के लिए, बनाए रखने के लिए कि महके ना मछली, इसके लिए उन लोग फॉर्मुलिन का यूज़ करते हैं। ट्रेडर्स यूज फॉर्मुलिन टू कीप फिश क्वालिटी इंटैक्ट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, वही बात। और देखिए इसके कुछ कुछ सिम्टम हैं, मतलब ये जो केमिकल हैं वो इसके कंजप्शन से, अगर हम इस मछली को खाएंगे इसके कंजप्शन से ये जो केमिकल भी हम कंज्यूम करेंगे, ठीक है, मछली जब खाएंगे तो ये केमिकल को कंज्यूम करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा बहुत शरीर का कुछ कुछ ऐसा पार्ट है जो कि डैमेज हो जाएगा, जैसे कि लीवर डैमेज हो सकते हैं हमारे, किडनी डैमेज हो सकते हैं, ठीक है, लंग्स डैमेज हो सकते हैं, हार्ट डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। और इट कैन ऑल्सो कॉज, और ये इन सब का भी कारण है, जैसे कि कैंसर, अस्थमा, ब्रोंचाइटिस, निमोनिया, ब्लाइंडनेस यानी अंधापन, निमोनिया, अस्थमा, कैंसर, ये भी इनका कारण है, यानी कि फॉर्मुलिन का यूज करेंगे तो हमें कैंसर भी हो सकता है, अस्थमा भी हो सकती है, ठीक है, निमोनिया भी हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट आर्टिकल, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले आर्टिकल्स की ओर। तो अगला आर्टिकल्स है मेरा, इसमें दो आर्टिकल है, ठीक है, एक ये है, एक अलग आर्टिकल है, ये अलग आर्टिकल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले वाले, दूसरे वाले आर्टिकल पर ध्यान देंगे। तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा कि एक नाम है, ठीक है, रामचंद्र मांझी, ठीक है, इनका नाम है रामचंद्र मांझी, ये एक कलाकार हैं, ठीक है, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड इन्हें मिला है, ठीक है, इसी फरवरी 6 को मतलब दिया जाएगा, मतलब मिला नहीं है, ऐसा नाम घोषित किया जा चुका है, ठीक है। कौन से अवार्ड, आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड हाल ही में बिहार में किन्हें मिले या किसे मिली, ठीक है। ये प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा उन्हें दिया जाएगा राष्ट्रपति भवन में, ठीक है, ये देंगे इस अवार्ड को, ठीक है। तो उनका नाम है रामचंद्र मांझी, इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से, ठीक है, 6 फरवरी को, याद रखिएगा डेट। तो इन्हें किस लिए दिया जा रहा है ये अवार्ड, तो हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू फोक थिएटर, जो जितने भी फोक थिएटर होते हैं, यानी जिसको हम लोग कहते हैं क्या, लोक डांस, सॉरी लोक नृत्य, ठीक है। तो ये लोक नृत्य में इनका जो लोक थिएटर है उन उसके बदौलत इन्हें ये दिया जा रहा है, ठीक है। और नेटिव ऑफ तुजापुर विलेज, इनका जो मतलब ये इनका जो गांव है वो तुजारपुर गांव के ये निवासी हैं, ठीक है, जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इनकी एज 90 साल की हो चुकी है तकरीबन, ठीक है।
ठाकुर वाज अ पोएट टर्न्ड फोक एक्टर हु हैड क्रिएटेड हिज ओन स्टाइल ऑफ फोक थिएटर इन 1930s, और इन्होंने अपने स्टाइल में एक फोक थिएटर की स्थापना की थी जो 1930 में, और इन्होंने एक अपना टर्म दिया था विदेशी, सॉरी विदेशिया, ठीक है। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर रहा था ये जो इनका फोक थिएटर था विदेशिया माइग्रेस, और ये जो इस तरह के परफॉर्मेंस है उनके परफॉर्मेंस बहुत सारे सोशल से रिलेटेड होते हैं, जैसे माइग्रेशन ऑफ लेबरर्स, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ट्रैफिकिंग ऑफ गर्ल्स एंड एग्रीकल्चर, इन सब से संबंधित इनके जितने भी फोक डांस होते हैं, फोक थिएटर दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, जिनका नाम है रामचंद्र मांझी नाटक एकेडमी अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। पहले आर्टिकल्स की ओर अगर हम इधर देखते हैं तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डेटा है, ठीक है, जो कि आपके मेंस में आंसर राइटिंग में या फिर कभी कभी प्रीलिम्स में भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। कि जैसे देखिए इस बार हुआ ये कि मतलब वर्षा कम होने के कारण थोड़ा फसल पे प्रभाव पड़ा है, जैसे कि धान पे कुछ ज़्यादा ही प्रभाव देखने को हमें मिली है। पैडी प्रोडक्शन विद द स्टेट रिकॉर्डिंग राइस प्रोडक्शन ऑफ 74.15 लाख मैट्रिक टन्स ड्यूरिंग खरीफ सीजन इन 2019, ठीक है, एज अगेंस्ट टू 79 लाख मैट्रिक टन्स इन 2017-18। ये जो इस बार के जो हमारे खरीफ सीजन थे उसमें तकरीबन 74.15 लाख मैट्रिक टन प्रोडक्शन किया गया था चावल का, ठीक है, चावल का। और अगर हम 2017 और 2018 की बात कर रहे हैं, 2017-18 सेशन की बात करें तो उस समय हमारे जो प्रोडक्शन थी वो 79 लाख यानी कि 79 लाख मैट्रिक टन थी, ठीक है, और अभी हमारा 74.15 लाख है। तो देखने में तो लग ही रहा है कम है भाई, तो लगभग हमारा 4.85 लाख कम हो गया है, यानी कि डिक्लाइन हो गया है, ठीक है, मैट्रिक टन ऑफ द मेन क्रॉप। तो यानी हुआ ये कि मतलब पिछले साल की तुलना में इस साल हमारी धान की जो खेती है हुई है वो बहुत कम हुई है, बहुत नहीं मतलब थोड़ा कम हुई है, 4.85 लाख टन मैट्रिक टन्स अकॉर्डिंग टू, अगर हम 2017-18 को मद्देनज़र बेस ईयर मान कर चले तो 18-19 में हमारा जो खरीफ सेशन का जो धान था उनका प्रोडक्शन घट गया है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट था, और ये प्रोडक्शन ऑफ द राइस हैज़ गोन डाउन हिज टाइम ड्यू टू ड्राउट लाइक सिचुएशन सेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर सुधीर कुमार सिंह। और ये जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्रेटरी के जो प्रिंसिपल हैं, ठीक है, उन्होंने बोला कि इनका कारण है कि हम क्या बोलते हैं, इस सेशन में ये जो टाइम है वो ड्राउट लाइक सिचुएशन, कुछ मतलब सुखाड़ की हालत हो गई थी यहाँ, जिसके कारण ये राइस को मतलब राइस के प्रोडक्शन में कमी आई है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, हम चलते हैं अगले लेसन्स की ओर, सॉरी अगले आर्टिकल्स की ओर। तो अगला आर्टिकल्स है कि वेस्ट चंपारण विलेज चूजन फॉर टूरिज्म फैस लिफ्ट फाइट ऑफ फॉर सर्वाइवल, ठीक है। तो देख लेते हैं कुछ फैक्ट इनसे रिलेटेड, सॉरी। तो दरअसल एक गांव है, ठीक है, उस गांव का नाम है मतलब एरिया एक मतलब चंपारण डिस्ट्रिक्ट में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है भिखाना थोरी, क्या नाम है, भिखना थोरी या थोरी जो भी कहिए, भिखना थोरी इन वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण में एक भिखना थोरी गाँव है। परफेक्ट रिट्रीट फॉर नेचर एंथुसिस्ट विथ इट्स साइमेरिक रिवर वाटर डेंस फॉरेस्ट एंड डाइवर्स इकोसिस्टम। यहाँ की जो मतलब कुछ नेचर की कुछ इस तरह से प्रकृति देखने को मिलती है कि यहाँ पे जैसे घने जंगल दिखने को मिलते हैं, नदियों के पानी जो कि टिमटिमाते रहते हैं उस तरह से देखने को मिलती हैं, यहाँ की डाइवर्सिटी जो है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ही मतलब सुंदर लगती है। तो द स्टेट गवर्नमेंट फाउंड अ टूरिज्म अपॉर्चुनिटी इन भिखाना थोरी, ठीक है। तो ऐसा स्टेट गवर्नमेंट सोच रही है कि इसे क्यों ना एक टूरिज्म प्लेस के रूप में डेवलप किया जाए, ठीक है। तो
लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ प्रॉब्लम है कि जैसे यहाँ पे पानी की समस्या है, ठीक है, यानी कि लोगों को साफ पानी नहीं मिलती है, यहाँ कनेक्टिविटी की समस्या है, यानी कि रोड नहीं है। जैसे पटना से अगर हम ट्रैवल करें वहाँ तक तो लगभग अच्छा खासा दूर पड़ जाता है, 250-250 किलोमीटर, ठीक है, तो वहाँ थोड़ी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। रेल्स मतलब रेलवे रेल्स की भी प्रॉब्लम है, रेलवे ट्रैक की प्रॉब्लम है, उधर कोई रेल मतलब ट्रेन टाइम पे नहीं है, या फिर जो भी उधर कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए वहाँ थोड़ी बहुत समस्याएं हैं। लेकिन इन समस्याओं को अगर हम दूर कर दें तो वहाँ पे एक टूरिज्म क्या होता है, टूरिज्म प्लेस के रूप में उसे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, डेवलप कर। और एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ था कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि ये जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है इनके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये कहाँ पे हैं, और इनसे रिलेटेड जो भी आसपास के एरिया हैं उनके बारे में आप मुझे बतलाओ, ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन से पशु हैं, नहीं हैं, बर्ड्स हैं, जो भी हों एनिमल कौन कौन से हैं उनका नाम भी आप भेज दीजिए, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें, ठीक है, तो हम चलते हैं अगले आर्टिकल्स की ओर। तो अगला आर्टिकल्स है हमारा, ये मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है, ठीक है। तो दरअसल बात यह है कि नीतीश कुमार ऑन थर्सडे सेड हिज गवर्नमेंट वाज कमिटेड टू प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग मधुबनी पेंटिंग इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म एज मैथिली सॉरी मिथिला पेंटिंग हैज़ अ ह्यूज फॉलोइंग इन द कंट्री एंड अब्रॉड, ठीक है। तो दरअसल बात यह है कि बिहार गवर्नमेंट सोच रही है कि सोच क्या रही है, मतलब ऐसा वो लोग कर रहे हैं, ऐसा कमिटेड किया गया है, उन लोग स्टेप उठाए हैं कि क्यों ना हम लोग ये जो हमारी मधुबनी पेंटिंग जितनी भी है, ये जो मधुबनी पेंटिंग है और मिथिला पेंटिंग है उसे क्यों ना हमें प्रमोट किया जाए, ठीक है। तो इसके लिए नीतीश कुमार ये ने क्या किया है कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में एक मिथिला पेंटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिथिला पेंटिंग इंस्टीट्यूट एंड मिथिला ललित म्यूजियम, ठीक है, ये दो संस्थान वहाँ पे मतलब स्थापित किए जा रहे हैं, ये दो मिथिला पेंटिंग इंस्टीट्यूट और मिथिला ललित म्यूजियम, ठीक है ना, ये टू इंस्टीट्यूशन विल बी कम अप ऑन 7 एकड़ लैंड, 7 एकड़ लैंड में इसे बनाए जाएंगे, जो कि बिलोंग करेंगे हमारे संस्कृत स्कूल एट सौरठ इन रहीका ब्लॉक, ठीक है, और इसे तैयार कर दिया जाएगा रेडी बाई 2020 तक, इसके स्ट्रक्चर को जो भी है, ठीक है। और दरअसल इसमें कुछ इस तरह से व्यवस्था की गई कि इसमें जो भी पढ़ाई होगी, 6 मंथ ये 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स प्रोवाइड कराएंगे, 6 महीने की डिग्री मतलब सर्टिफिकेट कोर्स देंगे, और साथ में अ डिग्री कोर्स विल बी ऑफर्ड बाय द इंस्टीट्यूशन, एक डिग्री भी देंगे ये, ठीक है, और बोथ इंस्टीट्यूट्स वुड बी अफिलेटेड बाय आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, और दोनों जो इंस्टीट्यूट हैं वो आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड हैं, यानी इनसे मान्यता प्राप्त है आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी से, नॉलेज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो हम चलते हैं अगले आर्टिकल्स की ओर। तो अगला आर्टिकल्स है, कुछ इम्पोर्टेंट नाम भी है, डेटा भी है, फैक्ट्स भी है, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, मतलब मैं कुछ इम्पोर्टेंट बतला देता हूँ कि लगभग ऑफ द टोटल 1.6 करोड़ फार्मर्स इन बिहार, देखिए ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि बिहार में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है, ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बिहार में टोटल एक मतलब अप्रोक्स कितने लोग किसान हैं, ठीक है, तो लगभग 1.6 करोड़ फार्मर्स इन बिहार, ठीक है, और ऐसा मतलब रिपोर्ट आया है, एक मतलब सर्वे किया गया तो पता चला कि ओनली 27.5% और 44 लाख मतलब 44 लाख हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ, मतलब ऐसा मतलब सर्वे किया तो पाया गया कि 27% लोग लगभग रजिस्टर किए हैं, जितने भी फार्मर हैं वो जो भी उन्हें सब्सिडीज वगैरह बेनिफिट मिलते हैं उनमें इन लोग तो रजिस्टर कर देते हैं, ठीक है,
they have registered themselves but not linked their bank account with the National Payment Corporation of India, leading to difficulty in payment. देखिए दरअसल बात यह है कि उन लोग क्या बोलते हैं, जो भी स्कीम आती है या बेनिफिट मिलनी होती है फार्मर को, उनके लिए तो ये लोग तो रजिस्टर कर देते हैं, लेकिन वो अपने खाते को, सॉरी, अपने बैंक खाते को नेशनल पेमेंट के साथ यानी NPCI के साथ लिंक नहीं करते हैं, ठीक है, जिनके कारण में कुछ दिक्कतें आती है पेमेंट में, यानी उन तक पहुंच नहीं पाती होगी, ठीक है, या कोई खा जाते होंगे, यही सब होता है और क्या होगा, ठीक है। तो यही बोल रहे थे कि लगभग 27% लोग जो हैं रजिस्टर कर देते हैं लेकिन उन्हें फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ डेटा आंकड़े देख सकते हैं, टोटल रजिस्ट्रेशन इस बार हुआ था लगभग 67,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 43,00,000, 75,967, ठीक है, इतना करोड़ लो फार्मर्स क्या किए थे, सॉरी, इतना लाख फार्मर रजिस्टर किए थे, लेकिन 1.6 करोड़ टोटल फार्मर्स हैं जिनमें इतना किया गया था। तो देख लीजिए कहाँ भाग रहा है, यहाँ तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं है आप, ठीक है। तो यहाँ दरअसल मैं बतलाना चाह रहा था, दिस इज एन इम्पोर्टेंट फैक्ट कि फार्मर रजिस्ट्रेशन टिल जनवरी, अब तक जनवरी, 4 जनवरी तक लगभग ये जो सारण है सबसे टॉप पे, ठीक है, सारण मतलब सारण में जितने भी फार्मर हैं उन लोग रजिस्ट्रेशन कराने में सबसे आगे हैं, मतलब वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उसके बाद आती है समस्तीपुर, मधुबनी, फिर पूर्वी चंपारण यानी ईस्ट चंपारण, ठीक है। फिर हमारा अगर हम बॉटम की बात करें, 4 बॉटम, ठीक है, तो अगर सबसे निचले स्तर पर देखें कि जहाँ पर फार्मर एकदम रजिस्ट्रेशन कराते ही नहीं हैं, बहुत कम कराते हैं, तो वो पहला हमारा जो ज़िला होगा अरवल होगा, ठीक है, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन बहुत कम होता है सब्सिडीज़ वगैरह में, ठीक है, जो भी बेनिफिट सब्सिडीज आती हैं सरकार द्वारा, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया जहानाबाद, सोहर, उसके बाद शेखपुरा, ठीक है। तो इस तरह से, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अगले आर्टिकल्स की ओर। तो हमारा अगला आर्टिकल है कि सीम स्टेप इन हिस्टोरिक पॉन्ड एट वैशालीगढ़ होप्स फॉर अ न्यू, मतलब नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं कि ये जो हमारे हिस्टोरिक पॉन्ड है कहाँ पे, वैशाली में, वैशालीगढ़ जो है वहाँ पे एक हिस्टोरिक पॉन्ड है, उसमें कुछ समस्या थी, तो वही लोग बोल रहे थे कि देखिए यहाँ पे कुछ कुछ गंदा है, मतलब हिस्टोरिक, चूँकि हमारे हिस्टोरिकल धरोहर की बातें हैं तो वहाँ पे साफ सुथरा होनी चाहिए और उनकी मेंटेनेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है, ये जो पॉन्ड है पॉपुलरली कॉल्ड अभिषेका पुष्करणी, ठीक है, अभिषेका पुष्करणी, जो कि कहाँ हमारा वैशाली में पड़ता है, वैशाली जिला हाजीपुर में, ठीक है। तो वेयर द पॉन्ड इज सिचुएटेड अलॉन्ग साइड द हिस्टोरिक रुइंस ऑफ इस्टवेल लिच्छवी डायनेस्टी अबाउट 45 किलोमीटर फ्रॉम पटना, लगभग पटना से 45 किलोमीटर अगर आप दूर जाएं इधर हाजीपुर साइड, तो उधर एक मतलब बोला जा रहा है कि ये जो पॉन्ड है वो एक लिच्छवी डायनेस्टी, जो लिच्छवी डायनेस्टी थी उस समय, उसके द्वारा ये उसी समय से ये बना हुआ है, चलते आ रहा है, ठीक है। और सरकार ने मतलब वहाँ के अगर डीएम से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि इसे ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है कि ये प्रोटेक्टेड टूरिज्म साइट है बिकॉज ऑफ इट्स हेरिटेज, इसके हेरिटेज से अगर हम धरोहर की बात करें तो ये इसलिए भी खास हो जाती है कि ये जो वाटर फॉर्म कोरोनेशन पॉन्ड है उसे यूज किया जाता था, जानते हैं किस लिए, आर स्प्रिंकल्ड ओवर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ किंग वैशाली ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिकन डायनेस्टी। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में, ये जो वैशाली हमारा है वो पूरे दुनिया का ऐसा पहला गणतांत्रिक राज्य होगा, ठीक है, हमारा वैशाली दुनिया का सबसे पहला गणतांत्रिक राज्य था, ठीक है, और है भी मान लीजिए, ठीक है। तो उसमें होता ये था कि ये पॉन्ड से उन पर पानियाँ छिड़की जाती थी किंग पे, ठीक है, वहाँ के जो रूलर होते थे
उन पे, तो इसलिए ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप सरकार को इसे ठीक करनी ही चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले आर्टिकल्स की ओर। तो अगला आर्टिकल है अररिया बॉयज आई नेशनल यानी इंटरनेशनल मास्टर टाइटल, किस चीज़ में भाई? तो चेस में, ठीक है। तो दरअसल ये जो आप बंदा देख रहे होंगे इनके बारे में, तो इनका नाम है सौरभ आनंद, ठीक है, जो कि अररिया से हैं। इन्हें हाल ही में एक टाइटल अवार्ड, मतलब एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। द लेटेस्ट नॉर्म सर्टिफिकेट वाज अवार्डेड टू सौरभ एट द IIFL वेल्थ फोर्थ मुंबई इंटरनेशनल चेस चैम्पियनशिप इन मुंबई। तो ये जो चौथा मुंबई इंटरनेशनल चेस चैम्पियनशिप हुआ है, जो कि मुंबई में हुआ है, उसमें हमारे जो सौरभ भाई हैं, सौरभ आनंद जी, उन्हें इस बार रैंक 24वां मिला है, ठीक है। ही वाज रैंक 24th इन द मुंबई चैम्पियनशिप, ठीक है, इसलिए उन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नॉर्म सर्टिफिकेट वाज अवार्डेड टू सौरभ एट द IIFL वेल्थ, ठीक है। ऋषि सरदना ऑफ ऑस्ट्रेलिया बैग्ड द टॉप पोजीशन, और जो ऋषि सरदना हैं और जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, उन्होंने टॉप किया, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले आर्टिकल्स की ओर, सॉरी। तो ये आर्टिकल रिपीट हो गया, हम लोग देख चुके थे। अगले आर्टिकल्स की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, ओके। तो दरअसल बिहार गवर्नमेंट हाल ही में डिसाइड की है कि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है, ठीक है, बिहार के जितने भी डिपार्टमेंट हो, इंस्टीट्यूशन हो, यानी कि जितने भी मतलब सरकारी संस्थान हो, डिपार्टमेंट हो, जितने भी प्रोमिनेंट हो, ठीक है, उन सब संस्थानों और ऑफिसों में महात्मा गांधी जी का फोटो लगाया जाएगा, और साथ में उनके कुछ इम्पोर्टेंट जो मैसेज हैं, ठीक है, ऑन देयर ऑफिस प्रिमाइजेज एज पार्ट ऑफ हिज 1/5 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। और जितने भी इम्पोर्टेंट उनके मैसेज बोले गए, उनमें से 7, ठीक है ना, 7 मैसेज को उस गांधी जी के फोटो के साथ हर एक ऑफिस में, संस्थान में चिपकाए जाएंगे, यहाँ तक कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं स्टेट के, ठीक है, ऑल गवर्नमेंट स्कूल अक्रॉस द स्टेट, सब में चिपकाए जाएंगे, ठीक है। ऐसा बोला गया है सभी लोगों को कि 30 जनवरी से पहले पहले ये सब हो जानी चाहिए, ठीक है, क्या हो जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है हमारे लिए कि ये जो बोला गया है कि ये महात्मा गांधी जी का मैसेज चिपकाना है, तो उनमें से कौन कौन से मैसेज चिपकाना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसे आपको रट लेनी चाहिए। जैसे कि एक पृथ्वी सभी मनुष्यों की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन लालच पूरी करने के लिए नहीं, ठीक है। तो ऐसा ये सब चिपकाने के लिए बोला गया है, यानी कि ये जो बोर्ड पे आप देख रहे हैं, इनको इस तरह से चिपकाने के लिए बोला गया हर एक सरकारी ऑफिस, संस्थान, स्कूल में, ठीक है। और 7 सामाजिक पाप कर्म भी लिखे गए हैं, तो इन्हें आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। सिद्धांतों के बिना राजनीति, परिश्रम के बिना धन, विवेक के बिना सुख, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान, त्याग के बिना पूजा, ये महात्मा गांधी जी बोले थे, और आपको भी बोलना होगा, ठीक है, और आपको रट कर याद रखनी होगी, तभी तो आप बोल पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे 7 निश्चय था पिछले बार इम्पोर्टेंट, उसी तरह ये इस बार इम्पोर्टेंट है, 7 सामाजिक पाप कर्म, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले आर्टिकल्स की ओर। तो सॉरी दोस्तों, अगला आर्टिकल नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि उन तक भी हमारी ये मेहनत पहुँच पाए और उन्हें भी मदद मिल पाए, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हम मिलते हैं अगले सप्ताह कुछ नए इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।